नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास प्रोग्राम टॉपर्स टॉक में। और आज हमारे साथ CGPSC 2018 के टॉपर्स स्थित हैं जिनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि स्कूल के टाइम पर मैं एक कविता सुना करता था। वो कविता के एक दो लाइन इस प्रकार से थे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होता है। तो आज जो हमारे टॉपर्स यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने हौसलों से अपने मंजिल को प्राप्त किया है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो कंपटीशन कम्युनिटी के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और सवाल की शुरुआत हम लोग करेंगे, जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि दो तीन दिन पहले CGPSC का प्रारंभिक परीक्षा हुआ, और जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा खत्म हुआ, यहाँ पर अगर अभी छात्रों के बीच में एक समस्या देखें तो वो है कट ऑफ कितना जाएगा। और ये सवाल हर किसी के मन में है। बहुत सारे हम लोग के पास में कमेंट्स आए, चाहे YouTube के माध्यम से चाहे या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि कट ऑफ कितना आएगा, क्या मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 120 से 30 के बीच में बता रहे हैं कि क्या हमारा पेपर निकलेगा कि नहीं। और जाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये कट ऑफ वाला भूत से आप लोग भी कहीं ना कहीं रूबरू हुए होंगे। तो अभी जो छात्र हैं जिनका कट ऑफ को लेकर मन में बहुत शंका है, डर है, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे और आपके सामने कट ऑफ की समस्या थी उसको किस प्रकार से आप लोगों ने सुलझाया था? सर, ये जो कट ऑफ की समस्या है वो तो लगी ही रहेगी। मतलब आप जैसे प्रिपेयर करना चालू करते हो तो आप यही सोचते हो कि आपका कम से कम प्रीलिम्स निकल जाए, फिर आप मेंस दो, फिर इंटरव्यू तक जाओ। लेकिन इस पर आपका बस नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। हो सकता है कुछ जो आपके दोस्त होंगे उनका आपसे ज़्यादा नंबर आ रहा होगा, हो सकता है कुछ का कम भी आ रहा होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपको करना क्या है, आपको पोस्ट पानी है। और कुछ लोग तो डरा भी रहे हैं कि मेरे 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मैंने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो सर, इसमें मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल आदमी को डरना चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको पोस्ट तक पहुँचना है। उस प्रोसेस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है कभी आपको कोई बोला कि अरे यार तेरा तो नहीं निकलेगा, तू तो छोड़ भी दे। और कई बार ऐसा होगा भी कि आपका, क्योंकि सब तो सफल नहीं हो सकते ना, हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स ना निकले। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको मेंस तो करना ही है, आज नहीं तो कल मेंस का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अब मान लो आपका 125 नंबर आ रहा है, तो ये तो ऐसा है कि इसमें आप निकल भी सकते हो, नहीं भी निकल सकते। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं निकलोगे? आपको मेंस का प्रिपरेशन तो करना ही है ना, चाहे इस बार नहीं निकलेगा लेकिन अगली बार फिर से आपको मेंस की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। आप अनुमान लगा सकते हो कितना कट ऑफ जा रहे हैं? सर, अनुमान लगाने के लिए तो अनुमान कोई भी लगा सकता है लेकिन वो अनुमान सही भी होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जिसका भी 120 प्लस आ रहा है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो या जनरल से फाइट कर रहा हो, मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए उसको, ये मेरा मानना है। आशीष, आपके सामने भी कट ऑफ का समस्या पिछले साल आया होगा, आपने इसको किस तरह से देखा? सर, जैसा कि राम भैया ने भी बोला कि मेंस की तैयारी तो करना ही है, और बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है CGPSC, जैसे पिछले बार CMO आ गया था बीच में, या दूसरे व्यापम के एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर तैयारी अपने को सिर्फ तैयारी करना है, जो अपने हाथ में हो सिर्फ तैयारी करना और एग्ज़ाम देना है, बाद में कट ऑफ क्या आता है, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, कितने लोग मेंस देते हैं, वो सब तो उन लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है CGPSC का। तो मतलब ईमानदारी से अपना मेहनत करते रहना, हाँ, रुकना नहीं चाहिए। और अगर रुकना है तो छोड़ के कुछ और करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो चीज़ कर रहे हैं उसमें पूरा देना चाहिए अपना। अगर CGPSC आप लोग कर रहे हैं तो CGPSC में पूरा दे, जो भी कट ऑफ हो, आपका 110 आए, 105 आए, 100 आए, 90 आए, 140 आए, लेकिन आपको करना तो है ही ना, आगे करना है, अगले बार के लिए मेंस करना है। अगर इस बार आप छोड़ देंगे मेंस का तैयारी, चलो ठीक है हम इस बार नहीं करते, फिर अगले बार वही होगा, आपका कट ऑफ निकलेगा, आप बोलेंगे कि अब तो 4 ही महीने बचे हैं, अब मेंस का कैसे करूं मैं, तो वैसा नहीं होगा ना। तो कुल मिलाकर ये रहा, कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो अपने ईमानदारी से मेहनत करते चलना चाहिए। गोविंद, आपके सामने भी कट ऑफ को लेकर समस्या आई थी? हाँ, कट ऑफ को लेकर मन में संशय होता है और हर किसी प्रतिभागी के साथ होता ही है। लेकिन अगर आप कट ऑफ के बारे में सोचते रह गए और PSC का प्री रिज़ल्ट आने में जो 1 महीना समथिंग का अगर कुछ डेट निकल गए, तो वो जो कन्फ्यूजिंग वाला जो टाइम पीरियड है वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। साथ में उससे अच्छा है कि आप आगे मेंस की तैयारी करते रहे, एनी हो रिज़ल्ट जो भी हो, आप
अगर आपकी तैयारी उस साल के लिए नहीं हो पाती है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो आप जब अगले साल बैठेंगे या पीएससी के और अदर कई भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए वो तैयारी काम आती ही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो कट ऑफ का सवाल बार बार आ रहा था उस सवाल पे आप लोग बिल्कुल ध्यान न दें और अपने मन में भी जो डर है कट ऑफ को लेकर उसको हटा दें। कुल मिलाकर अगर आप एक्सपर्ट से भी पूछोगे या जो टॉपर्स बैठे हैं इनके सामने भी कट ऑफ की समस्या आ चुकी है तो उसको इग्नोर करते हुए लगातार मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी ब्रेक ना होने दें। बेसिक सवाल पे आ जाते हैं, आप लोगों की जर्नी जो है किस तरह से शुरुआत हुआ सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान, एक एक जवाब आप लोगों से अगर इसके बारे में लें तो। एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने नहीं आया था, मेरे को तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी थी, लेकिन अब इसका कोर्स वेयर ऐसा है कि आप केवल नौकरी नहीं पाओगे, आप एक बेटर पर्सन बन के निकलते हो यहाँ से। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों आपको एक संपूर्ण व्यक्तित्व जो और वो जो बोलते हैं ना बहुआयामी व्यक्तित्व बोला जाता है वो आपको प्रदान करता है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी भले मैंने एक बोला जाए कि एक हाँ इंसिडेंस था कि मतलब मैं गलती से आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि यही मेरा फोकस रहेगा। अच्छा, भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक शायद कोट था वो बहुत वायरल हो रहा था, स्टेटमेंट उनका कि लड़कियों को ऐसा है कि शादी के लिए सरकारी नौकरी वालों का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ है क्या सरकारी नौकरी का माहौल? अब ये तो मैं सुबह ही देखा हूँ इसको और क्या बोले इस तरह का। अब देखो सब ये खासकर उन बच्चों के लिए ये सवाल ज़्यादा प्रभावशील होगा इसका जवाब, कि जो बच्चे अभी कॉलेज में और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और जो फैमिलीज अपने बच्चों को चाहती हैं कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, उनके लिए आप किस तरह से देखना चाहते हैं या फिर आपका व्यू उन फैमिली के लिए किस प्रकार से? देखिए सिविल सर्विसेज आप किसी के व्यू पे नहीं करना चाहिए आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करोगे और तभी सर्वाइव कर सकोगे। तो और ये जो पोस्ट की आप बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी वालों की क्या बोलते हैं इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, वो बहुत सही बात है बहुत सही है। केवल सरकारी नौकरी थोड़ी है, बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में क्यों आते हैं? क्योंकि हमको इसमें ठीक है अपना फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, लेकिन उसके साथ एक सोशल सर्विस का भी एक इसमें पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। अगर वो आपके अंदर है कि आप सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहते हो तो बिल्कुल आना चाहिए, नहीं तो जो भी करो अच्छे से करो, वही बेटर है मेरे हिसाब से। तो आशीष एक सवाल मेरा आपसे है कि कभी भी अगर कोई बच्चा जाता है तैयारी करता है तो उसको 10 तरह से सुनने को मिलता है कि आपकी रणनीति और आपकी स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। बच्चे सब तो सुनते हैं स्मार्ट स्टडी करो स्ट्रैटेजी बनाओ, तो आपकी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से थी? सर मेरी स्ट्रैटेजी तो वही थी कि सब चीज़ जो पहले आ रहा है उसको फाइट करना है। जैसे प्री आता है तो मैंने प्री को फाइट किया था, मेरा मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं था। फिर मेंस जब आया तो मैंने मेंस का सर आप ही के यहाँ पे मैंने टेस्ट ज्वाइन किया है, उसमें अच्छे भी मार्क्स आए मेरे, तो सिर्फ अपने आप को सिर्फ फोकस मैंने मेंस पे किया। उसके बाद जब इंटरव्यू आया तो मैंने इंटरव्यू पे फोकस किया। अभी उसके बाद से मैंने प्री पढ़ा है, जो नेक्स्ट वाला प्री था, मैं बीच में प्री के लिए नहीं पढ़ रहा था उसके लिए, तो जो पढ़ाव आ रहे थे मैं उसके लिए फोकस हो रहा था और वो निकलते गया सर भगवान की। और जैसा कि मैं आपको जानता हूँ आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, यस, और CGPSE में जब से हम लोग यहाँ पर तैयारी से जुड़े हुए हैं तो एक सवाल हमेशा कॉमन रहता है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परेशानी होती है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के और CGPSE की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल परेशानी तो होती है क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए 100 तरह के नोट्स अवेलेबल है, मटेरियल्स अवेलेबल है, हाँ, लेकिन इंग्लिश में लिखने वालों को ऐसा कहा जाता है कि मार्क्स अच्छे मिलते हैं क्योंकि शायद टीचर्स भी कम है, लोग कम है, तो टीचर्स कम है चेक करने वाले, वो लोग आराम से चेक करते हैं। अगर आपके आंसर्स अच्छे हैं इंग्लिश में तो आपको बिल्कुल नंबर अच्छे मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। गोविंद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ा सवाल यही होता है स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से थी? स्ट्रैटेजी के लिए मैंने कोई ऐसा कुछ रिटर्न प्लान तो नहीं बनाया था, हाँ लेकिन एक चीज़ एक माइंडसेट मैंने ये कि एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड रहना है, प्लस थोड़ा सा ये है कि नोट्स बनाते समय शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसे रिवाइज करने में आसानी हो। तो और जैसा कि अभी कुछ देर पहले राम ने भी बताया था कि हर एक
आंसर का, हर एक टॉपिक का एटलीस्ट ऐसा हो कि 40-40 वर्ड में उसके आंसर आपके पास हो, तो क्या आप उसको जल्दी से रिकॉल कर पाएँ। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, जैसे कि हम तीनों ने भी यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिला है। तो और उस वजह से हम पोस्टेड भी हैं, आज पोस्टिंग भी मिली है। तो हम लोग मतलब यही मानते हैं, मतलब कहने का है टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। वो क्या है, आपको प्रैक्टिस कर देते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये हो जाता है तैयारी के दौरान कि हमारा एक बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है कि 10 से 12 के बीच एग्ज़ाम है, 3 से 5 के बीच एग्ज़ाम है, तो हमारा माइंड एक सेट हो जाता है कि हाँ इस पीरियड में हमको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना करके। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद बात रही हमारे लिए। और पढ़ाई के लिए तो इंडिविजुअल अपना तरीका है, आप अपना कितने भी घंटे निर्धारित कर सकते हैं कि 6 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे, किसी का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, वो किसी के अपने अपने पर्सनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जो अभी बच्चे वर्तमान समय में कॉलेज में हैं और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके मन में भी बहुत सारी दुविधाएं होती है, मटेरियल्स को लेकर होता है, स्ट्रैटेजी को लेकर होता है, तो उन बच्चों को अगर आप कुछ संदेश देना चाहें तो, क्योंकि हमारे YouTube पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो इन लोगों के लिए आप कुछ रास्ता दिखाना चाहेंगे? जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं और कॉलेज में हैं उनको उसी समय से चालू कर देना चाहिए, मेरा मानना यह है। दूसरी बात यह है कि शॉर्टकट न तलाशें, आप हर सब्जेक्ट का एक जो ऑथेंटिक बुक होती है आपको वही पढ़नी चाहिए, है ना। जैसे आप पॉलिटी का बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत है, कल्चर की बात करें तो नितिन सिंघानिया है, तो आप शॉर्टकट की तलाश में ना जाएं कि आपको 40 पढ़ने में कोई शॉर्टकट मिल जाए उसे आप रट के आगे निकल जाएं। बेटर यह है कि जो किसी भी सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक जैसी आती है उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें, और मेरे ख्याल से इतना तो काफ़ी होना चाहिए आगे तैयारी करने के लिए। आपसे आशीष एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल ये है कि जैसे आज का ज़माना डिजिटल का है और इस डिजिटल के ज़माने में पहले क्या होता था कि बच्चे सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित होते थे, तैयारी अगर करना है तो बड़े शहर जाना है, और बहुत सारे बच्चे जुझारू होते थे लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से शहर में नहीं जा सकते। तो आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे, हमारे YouTube चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चों को डिजिटल के माध्यम से जो हमारे द्वारा भी कोशिश किया जा रहा है या फिर बाकी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, वो किस तरह से आप उनके लिए वरदान देखते हो? सर दूसरों के लिए तो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन मैं खुद, अगर मैं खुद का देखूँ तो बिना इंटरनेट और बिना डिजिटल जो भी मीडियम मुझे मिला उसको छोड़ के मैं नहीं सोच सकता मेरी जितनी भी रैंक आई है या मेरा इंटरव्यू या कोई भी एक भी पढ़ाव पार हो पाता बिना डिजिटल यूज़ लिए। तो मेरी आधे से ज़्यादा पढ़ाई उसी से ही हुई है, क्योंकि आज के टाइम में नया नया, आप हर दिन मार्केट में नया बुक आ रहा है, आप नहीं खरीद सकते हर दिन नया बुक मार्केट से, हाँ लेकिन विकिपीडिया उसी का नॉलेज आपको दे देता है ना। आपको रात के 2 बजे लग रहा है कि मुझे ये पढ़ना है, लेकिन आप सिर्फ बुक पे डिपेंड रहेंगे तो आपको खोजना पड़ेगा बुक, या आपके पास नहीं है तो लेके आना पड़ेगा, लेकिन आप रातों रात 2 बजे भी जैसे कि चल भी रहा है जैसे दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स उसमें देख सकते हैं वीडियोस। एक्चुअली अभी हम लोग कोंडागांव गए थे और कोंडागांव में जब क्लासेस चल रही थी तो एक दिन में 10-10 घंटे क्लास चल रहे थे, और वहाँ बच्चे मतलब इस तरह से जुझारूपन था उनमें, जिज्ञासा थी जानने की, ऐसा लगा कि अगर उनको संसाधन मिले तो वो कहीं बेहतर कर सकते हैं बड़े शहरों के बच्चों के कंपैरिजन में। तो डिजिटल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल माध्यम से उन बच्चों तक संसाधन आसानी से पहुंचाया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, और एक मोबाइल कोर्स भी हम लोगों ने लेकर आया था, उस मोबाइल कोर्स के माध्यम से खासकर बहुत चीपेस्ट रेट पे उन लोगों तक ये संसाधन पहुंचाने की पूरी कोशिश है। इसके अलावा एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर बाकी इंटरव्यूज़ भी हैं। तो एक सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि 2-4 बार प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स निकलता है, मेंस लिखते हैं, और मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो कहीं ना कहीं थक हार कर पीछे हट जाते हैं। तो आप लोगों ने भी 1-2 बार मेंस दिया होगा, तो आप लोग का जो मैसेज है उन लोगों के लिए क्या होगा कि आप 1-2 बार दिए और असफल हो गए, तो वो लोग आगे क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप मान लीजिए कि किसी प्राइवेट नौकरी में है या किसी और नौकरी या कुछ बिज़नेस चालू किया है आपने, तो आपको उसको एक स्टेबल पोजीशन में लाने, बिज़नेस को स्टेबल पोजीशन में मतलब लाने एक के बैकअप तैयार है। हाँ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ सर कि एक स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए बिज़नेस को 5-6 साल लगेंगे। आप अगर प्राइवेट नौकरी में हैं, आपको
सिर्फ उस प्रिमाइस में इज्जत पाने के लिए 5 से 6 साल लगेंगे, 2 प्रमोशन लगेंगे। आपको CGPSC या कोई भी PSC 2 साल 3 साल 4 साल भी मांग रहा है, लेकिन वो आपको 10 साल आगे भी तो बढ़ा रहा है दूसरे लोगों से। बिजनेस हो या फिर जो प्राइवेट जो भी नौकरियां कर रहे हो लोग, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस पोस्ट है CGPSC। अगर आपका मेंस 2 साल रुक भी रहा है, अगर आपको 3रे साल या 4थे साल या 5वें साल में भी मिल रहा है, तो आप पहले ही 10 साल या 20 साल आगे हो चुके हैं उन लोगों से जो अपने अभी स्टेबल पोजिशन में नहीं पहुँचे हैं। तो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहना चाहिए। बिल्कुल आपको क्यों नहीं मिलेगी सफलता, सब कर ही रहे हैं, सब लोग आदमी ही हैं जो लोग भी कर रहे हैं तैयारी, ऐसे कोई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अगर एक स्ट्रेटेजी से आपका पेपर नहीं निकला तो दूसरा स्ट्रेटेजी अपना लो, स्ट्रेटेजी बदल लीजिए। देखिए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है कि मुझे जिस पेपरों में अभी मेरे भी मार्क्स थोड़े कम आए हैं, नहीं तो मैं डिप्टी कलेक्टर होता। बिल्कुल। तो जिस पेपर में मुझे मार्क्स कम आए हैं, मैं उसको अगर रेक्टिफाई करके अगले बार ला लेता हूँ तो मैं बिल्कुल बन सकता हूँ डिप्टी कलेक्टर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी अपने पेपर्स देखिए कि आपको किस पेपर्स में दिक्कत आ रही है और उसको रेक्टिफाई कीजिए ना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं मिलेगा, पोस्ट भी मिलेगा। और CGPSC आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, आप RTA डाल के अपना जो मेंस का जो पेपर है वो निकलवा के उसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। राम, मेरा आपसे एक सवाल है, अक्सर बच्चों के बीच में अगर माहौल देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं और प्रीलिम्स निकलता है उसके बाद मेंस शुरू करते हैं, तो अभी जो कट ऑफ वाला माहौल है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें फंस जाता है। तो जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जाकर फंस जाते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये गलती मैंने भी की थी। अच्छा, जीता जाता एग्जाम्पल। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आदमी को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, आप मेंस की तैयारी करो, उसके बाद जब आपको प्रीलिम्स के लिए जैसे नोटिफिकेशन आता है, आपका नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर जनवरी फरवरी करीबन 2.5 से 3 महीना आपके पास रहता है, उतने समय में आप प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हो। लेकिन 4 महीने में मेंस उतना अच्छे तरीके से नहीं हो सकता कि आप एक अच्छी पोस्ट पर जाओ, हो सकता है पोस्ट ले लो लेकिन फिर वही जद्दोजहद, फिर से आप प्रीलिम्स दो, फिर से मेंस। उससे बेटर यह है कि आप पहले मेंस तैयार करो जो आपको पोस्ट दिलाएगा, ठीक है, आप मेंस तैयार करो, उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, जिस साल आपका प्रीलिम्स निकले उस साल आप क्लास 2 बनो और वहीं पे वो चक्कर खत्म होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना ना हो जाए कि आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो फिर 2 महीना पढ़ के मेंस दे रहे हो फिर आप 4 महीना प्रीलिम्स, तो फिर हर साल वही चीज़ रिपीट होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है वो लास्ट के 2 से 3 महीने में हो सकता है, और जब आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो 70-80% तो आपका प्रीलिम्स ऐसे ही तैयार हो जाता है। तो सेम सवाल आपसे भी है कि प्रीलिम्स का जो तैयारी करते हैं, जैसे कॉलेज खत्म हुआ ना तो शुरू में जैसे ही बच्चे जाते हैं कहते हैं चलो पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, 30,000 रुपये तो फीस देना है, उसके बाद मेंस देखेंगे। ये तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँ, पहले अटैम्प्ट पे मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट पे मैंने प्री क्लियर किया, पूरा जी जान लगा दिया प्री के लिए, प्री तो क्लियर हो गया लेकिन फिर मेंस में जाके रुक गया मेरा मेंस। थर्ड अटैम्प्ट में तो फिर प्री क्लियर नहीं हुआ, ये फोर्थ अटैम्प्ट था मेरा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पे रुक जाते हैं या प्री का रिज़ल्ट सोच के या प्री के या कहीं पे हार मान जाते हैं कि नहीं बस अब तो हो गया, अब तो आप मेंस नहीं दिला रहे हैं या हमको मौका नहीं मिल पाएगा, तो वो हो सकता है आपको आपकी तैयारी थोड़ी पीछे ले जाए। तो ये सोच रखने के बजाय हमको ये करना चाहिए कि इंटीग्रेटेड तैयारी जो होती है वो सही एक तरीका है मेरे ख्याल से, कि अगर आप मेंस को लेते हुए, मेंस तो हमेशा रिकॉल होना चाहिए कि आपको बैठना तो फाइनली मार्क्स और जो रैंक है वो आपका मेंस से ही डिसाइड होने वाले हैं, प्री को है कि प्री एज ए हर्डल उसको आपको क्रॉस करना है, तो ये इसकी तैयारी शुरुआती 2-3 महीने में की जा सकती है, और उसके बाद आपका जो पूरा फोकस है, एम्फेसाइज है वो मेंस में हो तो काफ़ी बेटर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है सर जी। तो मतलब कुल मिलाकर अगर कहें तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजी होती है वो आपका स्ट्रेंथ होता है, उसी के हिसाब से आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और रही बात कट ऑफ को लेकर जो समस्याएं आपके मन में चल रही है, उस समस्याओं को दूर करें और अपनी तैयारी को कंसिस्टेंट रखें। तो आशीष, राम और गोविंद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कुछ और टॉपर्स के साथ में हम लोग यहाँ पर बात को आगे बढ़ाएंगे। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।